फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए के मुताबिक तालीम हासिल करें अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके बच्चों ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल करके बोर्ड का इम्तहान ब्राए जमात बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें वालदे से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें रोज़ाना एक से दो घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वाले के अखराज में बचत कर सकते हैं ऑनलाइन स्कूल की कोई फीस नहीं है जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे हर क्लास और हर मज़ा

आर लिमिटेड टू द सबस्टांसिस विच कंटेन प्रोटोन जी एन लेन टवेंटी थ्री प्रोपोज अमोर जनरल एंड ब्रोडर कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सो स्टार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि जिस तरह आरहीनियस और ब्रॉन्सट लोरी ने हमें एसिड और बेसिस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताए कि एसिड किस तरह प्रोड्यूस होता है एसिड हाइड्रोजन आयस को डिससोसिएट करता है और बेसिस जो हैं वो हाइड्रोक्सल को करती हैं जबकि जो एसिड्स हैं वो प्रोटोन डोनर हैं जबकि जो बेसिस हैं वो प्रोटोन एक्सेप्टर हैं इन द सेम वे जी एन लेबस ने 1923 के अंदर एक मॉडल जो था वो प्रपोज किया उसमें उसने बताया कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो एसिड है वो ऐसा सब्सटेंस है सब्सटेंस कैन बी मॉलिक्यूल और आयन यानी कि जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है जो एसिड है लिविस एसिड है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है जबकि जो बेस है बेस सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आइन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जबकि जो बेस है वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकती है यानी के एसिड इज एन एक्सेप्टर इन लेविस कॉन्सेप्ट वाइल बेस इज आर डोनर इन लेविस कॉन्सेप्ट सो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है जबकि बेस ऐसी सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड ब्रोन ट्राईफ्लोराइड

अब हम लोग कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ हम लोग अमोनिया और बोरोन, बोरोन ट्राईफ्लोराइड का जो रिएक्शन है वो करवाएंगे बोरोन ट्राईफ्लोराइड का जो हमारे पास फार्मूला है केमिकल फार्मूला दिस इज़ बी एफ थ्री एंड अमोनिया इज़ एन एच थ्री वेयर जो एफ है बोरोन जो है उसके जो हमारे पास होते हैं उसके जो उसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है विच एज थ्री वायल एफ जो है फ्लोराइड उसका हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है इस सेवन जबकि नाइट्रोजन यानी एन एच थ्री एन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है फाइव जबकि जो हाइड्रोजन है उसका है वन सो so, हम लोगों ने इनको डो एंड क्रॉस मॉडल के थ्रू इनकी जो है हमने फॉर्मेशन की क्योंकि जब हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बोन बनाते हैं तो इसमें हम लोग जो अपनी फॉर्मेशन है वो डो एंड क्रॉस मॉडल के साथ भी कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं मॉलिकुलर फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं सो तो ये हम पर डिपेंड करता है हम कंडेंस फॉर्म में उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं हम उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म में कर रहे हैं हम मॉलिकुलर फॉर्म में कर रहे हैं जबकि हम लोग क्रॉस एंड डॉट एंड क्रॉस मॉडल की कर रहे हैं सो so, ये हम पर डिपेंड करता है तो लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के एग्जाम्पल के अंदर हमने डॉट एंड क्रॉस मॉडल के साथ हमने इसकी फॉर्मेशन की है सो so, अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमने दोनों को सम कर लिया बी एफ थ्री प्लस एन एच थ्री से क्या होगा कि हमारे पास नाइट्रोजन का जो एक आइटम है एक आइटम है वो हमारे पास बोरोन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो जब हम लोग अपना एक एटम अपना बोरोन को देंगे तो नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास देखें जो अगली उसके सब प्रोडक्ट बन रही है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर तो उसमें यह है कि एरो से डिनोट कर दिया गया है कि नाइट्रोजन ने अपना एक एटम जो है वो बोरोन को दे दिया है सो तो जब कोई चीज़ लूज़ होती है तो वहाँ पर उस पर क्या होता है हमारे पास एक कैटाइन बन जाता है क्योंकि कैटाइन हमेशा वो होते हैं जो अपना आयन डोनेट करते हैं सो so अब हमारे पास यहाँ पर जो आयन डोनेट करने वाला जो एलिमेंट है वो है हमारे पास कंपाउंड है सब्सटांस है वज एस एन एच थ्री जिसने अपना एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो डोनेट किया है सो so, अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो कैटायन प्रोटोन इट और मेटल आयंस एक्ट एज लेवेस एसिड फॉर एग्जाम्पल आ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया वेयर एच प्लस एक्स एज एन एसिड एंड अमोनिया एज आ बेस फर्स्ट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड और नाइट्रोजन अमोनिया के दरमियान रिएक्शन हुआ उसने अमोनिया ने क्या किया कि अपना एक जो आइटम था यानी इलेक्ट्रॉन पेयर था वो बोरोन को डोनेट किया सो नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन है अमोनिया का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है इसमें जो नाइट्रोजन है वो अपना जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रही है टू हाइड्रोजन तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्टर है सो हाइड्रोजन इज एन ले एसिड वाइल अमोनिया इज अवस बेस सो ये रिएक्शंस जो हैं ये आपने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि इन रिएक्शंस के बेस ही जो है वो लिविस कन्सेप्ट पर डिपेंड करती है आप लिविस कन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जो यहाँ पर आप उसको ब्रीफ कर सकते हैं आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप इस इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ही कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज़ अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडक्ट सो so, अब हम लोगों ने जैसे ऊपर रिएक्शंस किए हैं उनमें हम लोगों ने दो सब्सटेंसेस लिए हैं जबकि उनको एक स्कल ब्रैकेट में क्लोज किया तो जो हमारे पास सिंगल स्पेशी बन जाती है उसको हम एडक्ट कहते हैं सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लिविस कंसेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन एडेक्ट so, सो यहाँ पर हमारे पास सी एच हिस कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा वो होता है जो एक कॉन्सेप्ट जो है लिविस कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कि डोनेशन और एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस कर रहा होता है जो डोनेशन और एक्सेप्टेंस है वो अलेक्ट्रॉन पेयर पर पे बेस करी होती हैं क्योंकि जो एक डोनर होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जबकि जो एक्सेप्टर होता है वो वहाँ से एक्सेप्ट कर रहा होता है और इनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो होती है कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की और वो जिस ब्रैकेट में क्लोज हो रहे होते हैं यानी एक सिंगल स्पेशी की फॉर्म है उसको हम एडक्ट कहते हैं तो एडक्ट की फॉर्मेशन किस तरह होती है जब हम लोग रिएक्शन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं सो एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर तो लेविस कंसेप्ट के अंदर जो एसिड्स हैं वो एक्सेप्टर्स हैं जबकि जो बेसिस हैं वो डोनर्स हैं यानी एक्सेप्टर हैं एसिड्स तो एसिड जो हैं वो किसी से ले सकते हैं आइटम्स जबकि जो बेसिस हैं वो किसी ना किसी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं किसी को भी दे सकते हैं थर्स इट इज़ एविडेंट डैट एनी सबस्टांस विच हैज़ एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ कैन कनेक्ट एज अ लेविस बेस तो अब इससे ये साबित होता है हमारे पास ये एविडेंस आती है कि कोई ऐसी चीज़ यानी कोई कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जो कि कभी शेयर ना किया गया हो तो उसको हम लोग लेविस बेस कह सकते हैं अ सब्सटेंस विच हैज़ एन एम्पटी ऑर्बिटल डेट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज लेविस एसिड और जो अपने अंदर इतनी सलाहियत रखता हो कि अपने अंदर किसी और एटम यानी किसी और एलिमेंट्स के जो पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स उनको अकोमोडेट कर सकते हैं उस, उसको हम लोग लिविस एसिड कहेंगे एग्जाम्पल्स लेविस एसिड्स एंड बेसिस आर गिवन बिलो सो so, अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कि लेविस एसिड कौन से हैं लेविस बेस कौन से हैं सो so, एग्जाम्पल्स जो हमारे पास हम लोग नंबर वन लेविस एसिड की एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे सो अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज अ लेविस एसिड तो हमारे पास कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि लेविस एसिड के, के तौर पर रिएक्ट कर सकती हैं नंबर वन मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज इन कम्प्लीट ऑक्टेट यानी कि ऐसा ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बैलेंस चल इलेक्ट्रॉन में एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे ना हों वो मॉलिक्यूल्स जो हैं लिविस एसिड कहला सकते हैं क्योंकि लिविस एसिड हमेशा एक्सेप्टर वाला होता है और जिसके लाइक वैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों तो ऑब्वियसली वो अपने मजीद सलाहियत नहीं रखता कि वो किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके सो so, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो वो अपने अंदर कैपेसिटी रखते हैं कि न्यू एलिमेंट्स को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकें फॉर एग्जाम्पल इन बी एफ थ्री ए एल सी एल थ्री एफ वी सी एल थ्री एल्युमिनियम क्लोराइड बोरोन ट्राई फ्लोराइड एंड फेरस क्लोराइड देंट्रल आइटम्स हैव ओनली सिक्स इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दैम सो so, अब ये जो तीन हम लोगों ने कंपाउंड्स देखे हैं इनके अंदर सब के अंदर एट इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें एट इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है यानी कि वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं देयर फॉर दिस कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर सो इस वजह से इनके अंदर ये सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है सिंपल कैटाइम्स कैन एक्ट्स एज एसिड यानी जो सिंपल कैटाइन यानी सादा कीटाइन जिनके ऊपर प्लस का साइन होता है वो एक्टन लेविस एसिड के तौर पर रिएक्ट कर सकते हैं आर कीटाइन एक्ट एज लेविस एसिड सिंस देर आर डेफिशंट इन इलेक्ट्रॉन्स तमाम जो कैटाइंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब लेविस एसिड के तौर पर एक्ट कर सकते हैं अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में डेफिशेंसी हो हाउवर सच एज सोडियम पोटाशियम कैल्शियम आइन्स एक्सेट्रा हैव अ वेरी लिटल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स अब जो हमारे पास केटाइंस है यानी सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम इन सब के अंदर बहुत कम सलायत है कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकें वाइल तक कैटाइन लाइक हाइड्रोजन गोल्ड आयंस एक्सेट्रा है ग्रेटर एलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी देयर फॉर एड्स एसिक एसिड्स सो so, हमारे पास जो ऊपर कैटाइंस की बात हुई है तो सोडियम पोटाशियम और कैल्शियम जैसे जो हमारे पास कैटाइंस हैं इनके अंदर सलाहियत नहीं होती कि वो अलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें मेन वाइल हाइड्रोजन और ए जी प्लस यानी कोल्ड का जो हमारे पास आइंस है इनके अंदर इतनी अबिलिटी होती है कि ये किसी और से अपने अंदर अकोमोडेट कर सकें किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर इन्वॉल्व uh, कर सकें सो so, इन सब को हम क्या कहेंगे लेविस एसिड्स सो अब हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो लेविस बेसिस की हैं सो अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशी कैन एक्ट्स एज लेविस बेसिस अब लेविस बेसिस क्या होती हैं विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जिनके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों और वो फर्दर उनको डोनेट कर सकें तो ऐसे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को हम कहेंगे लेविस बेसिस नंबर वन न्यूट्रल स्पीशीज़ हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो न्यूट्रल स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि उनके पास एक लोन पेयर होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनिया अमायन अल्कोहल एक्सेट्रा एक्स हेज लेविस बेसिस बिकॉज दे कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं यानी जिनके ऊपर लोन पेयर होता है उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने आयंस को या अपने इलेक्ट्रॉन्स को अकोम डोनेट कर सकें यानी किसी को दे सकें ताकि वो एक्सेप्ट कर लें सो अमोनिया और अमाइंस अमाइंस जो हैं वो ग्रुप है आर बोन्ड एन एच टू अल्कोहल जो है वो आर ओ एच यानी अल्काइल ग्रुप है, है अल्कोहल तो इनके अंदर एक एक लॉन पेयर होता है इस वजह से इनके अंदर कैपेसिटी है कि ये डोनेट कर सकें नंबर टू नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस यानी जैसे हम लोगों ने लिविस एसिड में देखा कि कैटाइंस जो हैं वो एक्सेस एज लेविस एसिड एक्ट कर सकते हैं तो जो एनाइंस हैं वो एज अ लेविस बेस एक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड साइनाइड हाइड्रोक्साइड आइंस एक्सेट्रा एक्स एज लेवस बेसिस सो जो हमारे पास जो क्या कहते हैं क्लोरीन है साइनाइड है हाइड्रोक्साइड हैं ये सब क्या है? लेविस एसिड्स के तो, बेसिस के तौर पर रिएक्ट कर सकते हैं साइनाइड का जो सिंबल है वो सी एन बॉन्ड है जबकि क्लोरीन का सी एल है हाइड्रोक्साइड्स का ओ एच है तो इन सब के अंदर इतनी इतनी एबिलिटी है कि ये अपने अंदर से जो इलेक्ट्रॉन जो है उनको डोनेट कर सकें समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट अब हमारे पास ये सिंपल छोटा सा एक आ, टेबल बना हुआ है उसमें हमारे पास तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं यानी आरहीनियस ब्रॉन्सट लोरी और लिबिस सो so, अब हम देखते हैं कि आरहीनियस के मुताबिक जो है एसिड क्या होता है जो कि डिसोसिएट करता है हाइड्रोजन आइंस को और बेस क्या है जो कि डिसोसिएट करता है हाइड्रोक्सल आइन को और ये प्रोडक्ट में बनाते हैं सॉल्ट और वाटर सो so, ब्रॉन्सटेड लोरी में क्या है कि जो एसिड है वो डोनेट कर सकता है और जो बेस है वो एक्सेप्ट कर सकता है और इनके प्रोडक्ट में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है जबकि जो लिविस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और इनकी प्रोडक्ट में आता है एडक्ट यानी कि ये एडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं सो so, अब हमारे पास जो नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है ब्लॉक के अंदर डू यू नो तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है सो इट मे बी नोटेड डेट ऑल ब्रॉन्स्ट लोरी एसिड्स आर ऑल्सो लिविस एसिड बट ऑल ब्रॉन्सड लोरी एसिड्स आर नॉट लिविस एसिड्स यानी जो बेसिस हैं वो लेविस बेसिस हैं की जो बेसिस हैं वो लेविस बेसिस के मुताबिक हैं जबकि जो के एसिड्स हैं वो लेविस एसिड्स के अगेंस्ट है सो अकॉर्डिंग टू द बेस इज द्रॉन्टेड कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन वाल अकॉर्डिंग टू द लेविस अ बेस इज दिविस कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिविस बेसिस जनरली कंटेन वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देर फोर दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट अ प्रोटोन सिस और बेसिस ऑन द अदर हैंड ब्रॉन्स्टिड एसिड्स आर दो विच कैन गिव अ प्रोटोन फॉर एग्जाम्पल एच सी एल सर्फ्यूरिक एसिड आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ अलेक्ट्रॉन हैंड्स ऑल ब्रॉन्स्टिड एसिड आर नॉट लेविस एसिड्स अब ये जो उस पैराग्राफ में बात लिख हुई है सारी हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर की हुई है इस बात का एक like मैंने बहुत अच्छे से पहले जो टॉपिक्स थे जब हम लोगों ने आरहीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा लेविस कन्सेप्ट पढ़ा लोरी कंसेप्ट पढ़ा तो उसमें यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है सो so, इस चीज़ के बारे में जो है आपने फर्दर इसका देखना है कि किस तरह जो है हमारे पास लेविस एसिड बना किस तरह लेविस बेस बना ब्रौसरी लोरी एसिड बना और लिविस कन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है क्या सो so ये क्वेश्चन जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम्स के तौर पर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है फोर मार्क्स का पूछा जा सकता है जबकि जो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारे पास लेविस एसिड लेविस बेस और एडक्ट इन तीन डेफिनेशन को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जा सकती हैं सो डिस्कस